नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रेनू और मेरे चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इजीली होम मेड रेसिपीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो कोई भी रेसिपी वीडियो नहीं है। आज मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मेरा 2 साल का एक छोटा बेटा है, और बेटा मेरा भी छोटा है, इसके साथ साथ मैं जॉब भी करती हूँ। तो वर्किंग होने के साथ साथ आप जानते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे को हैंडल करना, इसलिए आज मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, जब भी बच्चा रोता है तो वो सिर्फ 2 वजह से रोता है, जब या तो वो बहुत ज़्यादा बीमार है या फिर जब उसको टमी में पेन हो रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बीमार है या टमी में पेन है उसकी वजह से हो रहा है? जो 3 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको अक्सर गैस की प्रॉब्लम रहती ही है, क्योंकि 3 साल से बड़े बच्चे अपना जो भी हमने खिलाया वो खाते हैं, उसके बाद खेलने लगते हैं, इधर उधर खेला, उन्होंने डाइजेस्ट किया और उनको फिर गैस की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इतनी नहीं होती जितना 3 साल से छोटे बच्चों को होती है। अब जो 3 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको तो अक्सर गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए हम क्या करें? उनके लिए हम तरीके अपनाते हैं, घरेलू नुस्खे, देसी नुस्खे, हम ये तरीके अपनाते हैं। अगर बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, रो रहा है, नहीं सो रहा, आपने उसको दूध भी पिला दिया, खाना भी खिला दिया, फिर भी अगर बच्चा नहीं सोता है तो जाहिर सी बात है उसको कोई परेशानी है। आपने उसका टेम्परेचर भी चेक किया, टेम्परेचर भी ठीक है, यानी बच्चे को फीवर भी नहीं है, और फिर वो क्यों रो रहा है? तो इसका मतलब है कि उसको गैस की प्रॉब्लम हो रही है, उसको टमी पेन हो रहा है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, जो घरेलू नुस्खे होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि जो हींग होता है, हींग को हम पीसते हैं, पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी में पानी ऐड करते हैं, उसको अच्छे से मिक्स करते हैं और उसके बाद उसको उसके टमी पर हम लगा देते हैं। लेकिन यही काम आप तब नहीं कर सकते जब आप कहीं बाहर हो, या फिर आप किसी रिलेटिव के यहाँ गए हो, या फिर आप कहीं किसी और काम से गए हो, तब आप क्या करें? बच्चा रो रहा है, क्रैंकी भी हो रहा है और आपके पास वो घरेलू नुस्खे अपनाने का टाइम नहीं है या फिर अभी अवेलेबल नहीं है, तब क्या करना है? तब मैं जो अपनाती हूँ वो है ये प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है ये है मामा अर्थ टमी रोल ऑन प्रोडक्ट। इसे मैं 2 साल से यूज कर रही हूँ। मेरा बात ये है कि जो आप देसी और घरेलू नुस्खे अपनाते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है, पर ये हैंडी है, आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं और इसमें कोई भी मैसी या फिर किसी भी तरीके का मैस होने का झंझट नहीं होता है। ये मामा अर्थ का प्रोडक्ट है, बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है और बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है। जब भी आपका बच्चा रोता है आपको क्या करना है कि इसको इस तरह से ओपन करना है, इसमें रोल ऑन दिया हुआ है ऊपर, इस तरीके से इसको आपको रोल करना है, लेकिन आपको इसे नवल के चारों ओर रोल करना है, यानी कि ये आपका नवल हो तो आपको इसको इस तरह से चारों ओर रोल करना है। नवल में आपको इसे यूज नहीं करना है, जैसे आप हींग का पेस्ट लगाते हैं नवल के चारों तरफ, वैसे ही आपको इसे यूज करना है, और इसे लगाने के बाद आपको इसे छोड़ देना है। जैसे ही ये काम करना शुरू करेगा आपका बेबी बहुत ही रिलैक्स फील करेगा और वो इजीली सो जाएगा और वो जो क्रैंकीनेस है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये जो प्रोडक्ट है वो आपको दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक ही समय में। आपने एक बार यूज किया, बेबी को बहुत रिलैक्स फील होगा और वो बहुत ही कंफर्टेबली होकर सो जाएगा। और इसके साथ ही इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि इसे आप भी यूज कर सकती हैं। जब भी आपको पीरियड पेन हो तब आप इसे यूज कर सकती हैं, या फिर जब भी आपको गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तब भी आप इसे यूज कर सकती हैं। जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने वाला होता है हम टेबलेट्स लेकर रख लेते हैं, अक्सर जो औरतें हैं वो यही करती हैं, लेकिन मैं पर्सनली कोई भी टैबलेट यूज़ नहीं करती हूँ पीरियड पेन्स के लिए। मैं हमेशा इसी का यूज़ करती हूँ, जैसे बेबी के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ वैसे अपने लिए भी यूज़ करती हूँ। नवल के चारों ओर इसे लगाना होता है
और ये इतना इफेक्टिव होता है गाइस, ट्रस्ट मी, बहुत इजीली आपको रिलैक्स कर देता है। आपको इसके लिए कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने बैग में हमेशा डालकर रखिए। आपको बच्चा जब भी रोता है आप इसे ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब आप सोचेंगे ये कितना कॉस्टली है, तो इसका जो MRP है वो 249 है। मैंने इसे अमेजोन से परचेज किया था। आप चाहें तो डायरेक्ट मामा अर्थ की साइट पर जाकर भी इसे परचेज कर सकते हैं, लेकिन अमेजोन से मैंने इसे परचेज किया क्योंकि मुझे कुछ डिस्काउंट मिल गया था, तो इसलिए मैंने इसे अमेजोन से परचेज कर लिया था। आप इसे किसी भी साइट से इजीली परचेज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है अभी मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है, तो आप इसे अपने जो नियर बाय मार्केट है उससे भी परचेज कर सकते हैं। तो आपको इसे ज़रूर परचेज करना चाहिए। बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है, बहुत ही हैंडी प्रोडक्ट है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन ध्यान रखें ऐसा ना हो कि आपके बच्चा किसी और वजह से बीमार हो और आप इसे यूज़ किए जा रहे हैं और फिर आप सोचिए तो इफेक्टिव ही नहीं है। तो कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। लेकिन मैं इसे यूज़ करती हूँ, मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है ये। इसके बाद दोस्तों इसका जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है ये, अगर आपको दिखे तो ये है मामा अर्थ ब्रीथ इजी वेपर रोल ऑन फॉर बेबीज। ये जो प्रोडक्ट है ये आपको विक्स की तरह काम करेगा। बहुत ही सूदिंग प्रोडक्ट है ये और इसमें जो होता है मिंट नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, कैम्फर नहीं है, जो कि बेबी की स्किन को हार्म नहीं करेगा। 3 महीने से बड़े बच्चों के लिए आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है उसे कोल्ड हो रहा है तो आप जो मेडिसिन दे रहे हैं डॉक्टर के कंसल्ट करने के बाद जो मेडिसिन आप उसे देते हैं, उसके बाद जब बच्चा सोता है आपको लगता है कि इसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर एक आवाज़ आ रही है सांस लेने में, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें। इसे आपको कैसे यूज़ करना है, इसे आपको जस्ट ओपन करना है और गले से लेकर यहाँ तक आपको इस तरीके से इजीली इसे लगाना है और बेबी बहुत ही रिलैक्स फील करेगा। और इसके साथ ही आप इसे बैक पर भी यूज़ कर सकते हैं, बेबी रिलैक्स फील करेगा और बहुत ही इजीली सो जाएगा, उसे बहुत ही आराम मिलेगा। इसके साथ ही आप इसे अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे अपने लिए भी यूज़ करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी इसे यूज़ करते हैं। आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो MRP है वो भी 249 है। इसे भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, तो आप इसे भी ज़रूर ऑर्डर करें। और जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर नई जगह ट्रैवल करते हैं तो बेबीज़ अक्सर जब हवा बदलती है, पानी बदलता है, तो उनको गले में प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो दवा के साथ साथ आप इसका ज़रूर यूज़ करें। दोस्तों ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं इसे आप किसी भी साइट से मंगा सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं ये प्रोडक्ट्स। और अगर आपको अमेजोन से ऑर्डर करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप इन्हें वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये दो प्रोडक्ट ज़रूर परचेज करने चाहिए। ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है, बहुत ही हैंडी प्रोडक्ट है। आप अपने साथ साथ इसको बेबी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अब हम यहीं पर एंड करते हैं। आप हमें करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और बने रहें हमारे साथ ऐसी ही होममेड रेसिपीज़ के लिए और थोड़ी सी जानकारी वाली वीडियो।